बुरहानपुर जिले में इन दिनों सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या पिछले एक सप्ताह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब जिला अस्पताल के RMO ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि वायरल फीवर और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सके। आपको सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं और आप यदि लापरवाही बरत रहे तो आपको डेंगू होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए आपको ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उपचार लेना है। जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, बुखार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो आपको डेंगू के लक्षण नज़र आ रहे हैं। ऐसे लक्षण नज़र आने पर तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल पहुंचकर आप उपचार करवा सकते हैं। यदि आपने लापरवाही बरती तो दूसरी स्टेज के लक्षण नज़र आएंगे, उसमें आपको खांसी के साथ उल्टी भी हो सकती है। तीसरी स्टेज में आपको ब्लड की उल्टी के साथ हाथ पैर में अधिक दर्द होगा और तेज़ बुखार शुरू हो जाएगा। आपको डेंगू से बचने के लिए सबसे पहले अपने घर की छत, कूलर, आसपास के क्षेत्र में पानी जमा नहीं होने देना है। यदि आपके घर और कूलर सहित आसपास की जगह पर पानी जमा हुआ है तो आप उसे रोज़ बदले, साफ सफाई में ध्यान दें, जिससे डेंगू पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखने में आया जिले में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल फीवर बढ़ गया है, इसको लेकर क्या बचाव टिप्स दोगे आप? अभी कुछ समय में पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल फीवर के कुछ मरीजों की संख्या बढ़ी है। मरीजों में नॉर्मली एडल्ट पेशेंट भी है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें नॉर्मली वायरल फीवर है और साथ में डेंगू के मरीज आ रहे हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर डेंगू की अगर स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्मली डेंगू जो है वो एडिस मच्छर से के काटने से फैलता है और वायरल बीमारी है। अगर घर पे साफ सुथरी जगह जैसे कूलर का पानी है, अगर ये इकट्ठा रहता है किसी साथ तो वो फैलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये साफ़ सफाई करना चाहिए घर में, पानी वानी इकट्ठा नहीं हो, मच्छरों से मच्छरदानी लगा के रखें और नॉर्मली जो भी मच्छरदानी है उससे हम बचाव करना चाहिए। अगर कोई मरीज अगर आता है डेंगू का तो नॉर्मली शुरू में बुखार, हेडेक और जॉइंट पेन के साथ में पेशेंट आता है, तो उस समय शुरू में स्टार्टिंग में हाईग्रेड फीवर आता है, तो नॉर्मली हमें पैरास्टामोल की जो टेबलेट है डॉक्टर से एक बार दिखा के जो पैरास्टामोल है वो फीवर कंट्रोल के लिए लेना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डेंगू के बाद में कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, कई बार हमको डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर और इस टाइप से प्रेजेंट करता है, तो अगर फीवर आता है तो वो डॉक्टर को सलाह ले और जो भी डॉक्टर उसको उसके चिकित्सक जो भी हिस्ट्री उस हिसाब से अपनी दवाइयाँ देगा और इस टाइप से उनको। लक्षण क्या रहते हैं? लक्षण डेंगू के स्पेसिफिक यही है कि शुरू में अगर हम डेंगू की बात करें तो उसके तीन फेज होती हैं। फर्स्ट होता है फिब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। तो शुरू में नॉर्मली जॉइंट पेन होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, हेडेक होता है और हाई ग्रेड फीवर आता है। नॉर्मली 2 से 7 दिन का फीवर रहता है, उसके बाद में 5वें 6वें दिन फीवर थोड़ा सा डाउन होता है और उसके बाद में कई मरीजों को कॉम्प्लिकेटेड जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, खून की उल्टी होना, लेटरिंग के रास्ते से खून निकलना, प्लेटलेट कम होना और शरीर में सूजन आना, एसआईटीज, प्लूरल इफ्यूजन, इस टाइप से दिक्कतें आती है, कॉम्प्लिकेटेड फेज होता है। उसके बाद में फिर ये फेज जैसे निकलता है उसके बाद में रिकवरी फेज चालू होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं।